सो यस्टरडे लास्ट में हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी. वो क्या क्या आया था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर. ओके, दैट फॉर्मूला वी गॉट. वो रिलेशनशिप देखा था. नाउ वी हैव टू सी मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी. डेल्टा यू में जो चेंजेस होगा वो कैसे मेजर करें, और डेल्टा एच में जो चेंजेस होगी वो कैसे मेजर करते हैं प्रैक्टिकली. ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी. और ये मेजर करने की जो मेथड है उसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री, यस. मेजर करने की मेथड को पहले ही बता दे रहा हूं सो दैट पहले से ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ये जो मेथड है मेजरमेंट करने की, क्या मेजरमेंट करने की, डेल्टा यू मींस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन द एंथैल्पी को मेजर करने की जो मेथड है वो मेथड को बोलते हैं कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री एंड वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम वो मेजरमेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर. ओके, सो कैलोरीमेट्री इज द मेथड नेम एंड कैलोरीमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी आर डूइंग द मेथड. ओके, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की टेक्निक सपोज से ऑफलाइन और से वॉट एवर वी आर कॉलिंग से ऑफलाइन कोचिंग. ओके, दैट इज द मेथड. और किसी की हेल्प से पढ़ रहे हैं तो फिर से हम इलेक्ट्रिक बोर्ड, मार्कर, एसी, ये सब है यहाँ पर, और विद दैट कंफर्ट वी आर लर्निंग. ओके, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से ये कोचिंग की एक्टिविटी जो हम डिस्कस करने की, एक कंसेप्ट को डिस्कस करने की एक एक्टिविटी है वो कर रहे हैं. वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज मेथड. वो मेथड को सपोज हमने नाम दे दिया टीचिंग और से डिस्कसिंग और से अंडरस्टैंडिंग और से कोचिंग, वो मेथड का नाम है और ये सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए. वैसे ही मेथड का नाम है कैलोरीमेट्री एंड इंस्ट्रूमेंट का नाम है कैलोरीमीटर. ओके, सो देखो सपोज ऐसा मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया, एक डिब्बा ले लिया. ओके, इन दैट मैंने एक और छोटा सा डिब्बा ले लिया. ओके, अब मैंने यहां पर क्या किया कि पूरा पानी भर दिया. पूरा पानी भर दिया. अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से ये डिब्बे को बंद कर दिया है, ये कंटेनर को मैंने बंद कर दिया. यही हमारा कैलोरी मीटर है, मतलब जो मेथड है वो कैलोरीमेट्री है. किस चीज की मेथड है, टू मेजर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द एंथैल्पी. और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, कैलोरी मीटर. ओके, सो ये कंटेनर है जिसके अंदर पानी भर दिया गया है और कंटेनर इज क्लोज्ड. कंटेनर क्लोज्ड है. क्लोज्ड है मतलब क्या, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. पानी भर दिया है तो पानी का वॉल्यूम कांस्टेंट है. अब ना तुम ऐड कर सकते हो ना ही तुम कुछ करोगे. और सब कुछ गर्म कर दिया और स्टीम बाहर चली गई, ऐसा भी होने वाला नहीं है, यही अंदर ही रहने वाला है. सो वॉल्यूम इज से कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया. ओके ओके, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एक स्टरर लगा रहे हैं. एक स्टरर लगाया हुआ है. स्टरर का काम क्या है, वही ओके घुमाना. ओके, स्टर करना. स्टरर का काम है स्टरिंग करना, सिंपल. सो वो उसके लिए हमने एक स्टरर लगाया हुआ है. यहां पर हमने एक थर्मोमीटर लगा दिया है कि जो भी हमारे टेम्परेचर का चेंज आए वाटर का वो हमें पता चले. बीच में हमने डाला हुआ है कोई भी कार्बनिक कंपाउंड. ओके, जिसका नाम मतलब जो हम कोई भी ले सकते हैं कार्बनिक एलिमेंट्स और से कंफर्म. जैसे हमने ग्रेफाइट ले लिया, मान लो क्या ले लिया, ग्रेफाइट. ओके, अब हमें इसको कंबशन करना है. ओके, मतलब जलाना है. ये कार्बन कार्बन है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कार्बन, उसको हमें जलाना है. तो
भाई ऑक्सीजन अंदर है थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरे में तो ग्रेफाइट भरा नहीं, अंदर ऑक्सीजन है, फ्यूल भी है, चाहिए क्या टेम्परेचर, चाहिए हीट चाहिए। तो उसके लिए हम एक से लाइटर टाइप ऑफ थिंग इंसर्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, से ऐसे कोई लाइटर हमने डाल दिया, ओके, जैसे हमारे घर में लाइटर होता है गैस स्टोव, वैसे ही लाइटर हमने डाल दिया। लाइटर का काम क्या है, यहाँ पर कंबशन स्टार्ट करना, इग्निशन, स्पार्क देना। ओके, डन, समझ में आ गया। सो ये हमारा सेटअप है। अब ऐसा समझो कि ये वॉल्यूम बंद है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंटेनर बंद है। ओके, कंटेनर बंद है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सोचो, ऐसा सोचो कि बॉम्ब है, बॉम्ब, कौन सा बॉम्ब, दिवाली वाला, अभी दिवाली आएगी, दिवाली वाला बॉम्ब है, बॉम्ब। ओके, वो हम यहाँ पे नीचे, वो जो हमारी लेन है, ओके, स्ट्रीट है, वहां पर नीचे फोड़ रहे हैं। और सपोज हम सपोज यहाँ फोड़ रहे हैं क्लास के अंदर, ओके, कहाँ ज्यादा आवाज आएगी, क्लास में, ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बूम, ओके, ज्यादा फूटेगा, वहां पे भी बूम फूटेगा लेकिन थोड़ा कम, ओके, और ग्राउंड में फोड़े तो पता भी डुप ऐसे करके पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि तुम गए हो वहां पे देव दीपावली पे, शुक्ल तीर्थ का मेला लगता है, तो वहां पे देव दीपावली, हमारी दीपावली आती है उसके बाद देवों की दीपावली होती है, तो शुक्ल तीर्थ में मेला लगता है, तो वहां पे जो रिवर बैंक है वो बहुत दूर है, सो चल के जाना पड़ता है, तो पूरा सैंड का मतलब एकदम लेयर, ग्राउंड ही ग्राउंड है, तो वहां पे भी लोग बॉम्ब और फटाके लेके आते हैं। तो सैंड के अंदर अगर तुम ऐसे डाल के, अंदर ना डालो या डालो, तुम ऐसे जलाओगे तो ऐसे घुप ऐसा आवाज आएगा, मतलब ऐसे करके ऐसे बस ये फूट गया, बॉम्ब फूट गया, लाइक दैट। ओके, तो ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, ऐसे बॉम्ब जैसे आवाज आने वाली है, इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, ये जस्ट लॉजिक है, ओके, कि इसको क्या बोलेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्यों, क्योंकि इट्स लाइक अ बॉम्ब, क्योंकि वॉल्यूम तुमने कम कर दिया है, कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, और वहां पर एक्सप्लोजन हो रहा है, जला रहे हो मतलब एक्सप्लोजन हो रहा है। तो जनरली क्या बोलते हैं, अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे तुम एक्टिविटी करो, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, सो क्या किया हमने, यहां पे स्पार्क कर दिया, स्पार्क कर दिया, यहाँ पे कंबशन होने लगा, ये जलने लगा, जलने लगा तो हीट प्रोड्यूस हुई। अब ये हीट कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली हीट के आसपास पानी भरा हुआ है, तो सारी हीट कहाँ जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी, डन। सो सारी हीट पानी के अंदर चली गई, सो पानी की इंटरनल एनर्जी और से वॉट एवर, इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एंथैल्पी कोई भी हो, लेकिन हम एनर्जी अंदर की बात करें, ओके, इंटरनल एंथैल्पी तो हम बोलते नहीं है, इंटरनल एनर्जी और से एंथैल्पी जिसमें भी चेंज हो, लेकिन किसमें चेंज होगा, हम बोल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, सो कांस्टेंट वॉल्यूम वो से क्यू वी हो तो हम क्या लेते हैं, डेल्टा यू लेते हैं, मतलब चेंज इन द इंटरनल एनर्जी लेते हैं। सो जैसे ही यहां पर ब्लास्ट होगा, सारी की सारी हीट कहां चली जाएगी, पानी के अंदर, पानी के अंदर चली गई तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। क्यों मैं इंटरनल एनर्जी बोल रहा हूं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, सो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। सो डेल्टा से यू, डेल्टा यू कितना होगा हमें पता ही है, जितना हमने हीट दिया है, मतलब जितनी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी हीट जाएगी उतना डेल्टा यू होगा, दैट्स इट। मेजर करना था, मेजर कर लिया, हो गया कैलोरी, ये मेथड है कैलोरीमेट्री, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर, समझ में आया। अब डेल्टा एच की बात करते हैं, तो डेल्टा एच की बात करेंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा एच तो हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, तो ये ऊपर का छपड़ा हटा देते हैं, सो इट्स नॉट देयर, ओके, ओपन है, सो ओपन है तो क्या हो जाएगा, ओपन है तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा, जितना अभी हमारे सिर पे लग रहा है उतना लगेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर, सो एटमोस्फेरिक प्रेशर कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ओके, सो एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा विच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो से वन बार और से वन एटमोस्फेयर, वन बार और वन एटमोस्फेयर में नेग्लिजिबल डिफरेंस है, यू कैन टेक सेम, ओके, सो वन बार और वन एटमोस्फेयर, अगर पास्कल में बोलना हो तो इट इज 100 किलो पास्कल, ओके, एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो, ओके,
चलो सो और अगर ये लोग का रिलेशन जानना हो तो वो कितना होता है, 1 बार इज इक्वल्स टू 1.01325 इनटू 10 रेज टू 5 पास्कल। देन तो एप्रोक्सीमेटली ये 100 है, देखो ये 10 रेज टू 5 था तो उसको मैं तोड़ के ऐसा लिख सकता हूँ 10 रेज टू 3 एंड 10 रेज टू 2। तो ये जो 10 रेज टू 3 है उसकी जगह अब मैं पास्कल की जगह क्या लिख दूंगा, किलो पास्कल। बचा क्या, 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है वो मतलब दूर जाएगा, ये साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, तो वो कितना हो जाएगा 101.325। तो 101 की जगह अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं कितना, 100। समझ में आया? सो ये तो रिलेशन है, ये तो रिलेशन है, बट से तुम्हें याद रखना हो तो तुम इतना ही याद रख सकते हो। ये याद रखने के लिए, एंड दीस आर द एटमोस्फेरिक वैल्यू, ये कन्वर्जन है और ये एटमोस्फेरिक वैल्यू है। ओके सो हमने क्या कर दिया, ऊपर का जो रूफ था हमारा ओपन कर दिया, तो प्रेशर लगेगा। अब फिर से यही सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा, वापस ब्लास्ट होगा। अभी वापस ब्लास्ट होगा तो वापस मतलब कंबशन होगा, कंबशन होगा तो क्या होगा, हीट वापस चली जाएगी पानी में, हीट अंदर चली जाएगी, अब वापस उसकी एनर्जी में चेंज होगा। लेकिन अब हम क्यूपी ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर ले रहे हैं, तो अगर हम कॉन्स्टेंट प्रेशर रह रहे हैं तो चेंज इन दी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच, एंथैल्पी डिफरेंस, दैट्स इट। तो यही था हम बोल रहे थे कि मेजरमेंट करने के लिए। सो अगर डेल्टा एच और हमने डेल्टा यू फाइंड किया, ओके सो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो मिलेगा हमें डेल्टा एच, और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो मिलेगा हमें क्या, डेल्टा यू। ओके और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे रह रहे हैं तो जनरली हम बोलते हैं उसको क्या, बॉम्ब कैलोरी मीटर, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो दैट मींस के प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम तुमने फिक्स्ड कर दिया है, ओके और प्रेशर भी फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड है यहाँ पर रूम में अगर बॉम्ब फोड़ रहे हो तो। लेकिन बाहर बॉम्ब फोड़ोगे तो वॉल्यूम फिक्स नहीं है, सिर्फ प्रेशर फिक्स्ड है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, सिर्फ कैलोरी मीटर, उस कंडीशन में सिर्फ कैलोरी मीटर, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लिया तो क्या, बॉम्ब कैलोरी मीटर। बट अदरवाइज तुम दोनों कंडीशन में अगर बॉम्ब कैलोरी मीटर बोलो तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कंबशन तो होने ही वाला है, मतलब थोड़ा बॉम्ब टाइप एक्सप्लोशन तो होने ही वाला है यहाँ या वहां, तो तुम दोनों को बोलो तो दोनों को ही हम बॉम्ब कैलोरी मीटर बोल सकते हैं। लेकिन अगर टू बी प्रिसाइज मोर स्पेसिफिक बोलना हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम बॉम्ब कैलोरी मीटर बोलते हैं, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बॉम्ब कैलोरी मीटर बोलते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर हो तो हम सिंपली बोलते हैं क्या, कैलोरी मीटर। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके सो दिस इज देयर बॉम्ब कैलोरी मीटर। ओके एंड नेक्स्ट वी हैव टू सी कि जो हीट मिल रही है उसके बारे में हमें देखना है, हीट मिल रही है या लूज हो रही है। सो से सो नाउ डेल्टा एच मेजरमेंट उसके लिए ही गिवन है। ओके देखो यहाँ पे सेम जो मैंने बोला कि हमने एक ग्राम को बर्न किया, तो वैसे ही टाइप का एग्जांपल गिवन है कि 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट है, उसको बर्न किया है, बॉम्ब कैलोरी मीटर में हम बर्न कर रहे हैं, तो अगेन हमें चेंज हीट कैपेसिटी, इफ द हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस, तो फाइंड हमें क्या करना है, आगे लिखा हुआ। ओके यस सो दिस मच, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबोव रिएक्शंस, तो ये रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा, दैट्स इट, यही फाइंड करना है। अंडरस्टूड? ओके तो वी विल टेक आफ्टरवर्ड्स। ओके अदरवाइज करना कुछ नहीं है, यही है क्या, डेल्टा यू है, डेल्टा यू मतलब क्या, से क्यूवी, क्यूवी मतलब क्या, सीवी डेल्टा टी, कल हमने देखा था क्यूवी इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी एंड क्यूपी इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी। ओके तो सीवी तुम्हें यहाँ पे गिवन होगा, हीट गिवन होगी, कुछ ना कुछ ऐसे गिवन होगा, सारी वैल्यू को यूज करके फिर हमारा फॉर्मूला जो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी ना लेना हो तो हम लेंगे डेल्टा एन गैसियस आर टी वाला। ओके वो फॉर्मूला ले लेंगे,
और फिर सारी वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो न्यूमेरिकल हम करेंगे ही बाद में. ओके okay, बट है सिंपल, मतलब कुछ नया नहीं है. अंडरस्टूड? ओके सो ये हमने देखा कि डेल्टा एच और डेल्टा यू कैसे हम फाइंड करते हैं वो. नाउ एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन और से रिएक्शन एंथैल्पी. ओके रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो, और उसको हम रिएक्शन एंथैल्पी भी बोलते हैं. तो एक्चुअली रिएक्शन में चेंज है मतलब क्या, सपोज मीथेन है उसका तुम कंबशन कर रहे हो. ओके मीथेन का कंबशन कर रहे हो तो कंबशन तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा. ओके सो मीथेन ऑक्सीजन के साथ में वो है और उसका कंबशन कर रहे हैं. तो याद रखना हमेशा के लिए एक ट्रिक कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स और से नॉट कार्बोहाइड्रेट्स बट से हाइड्रोकार्बन, व्हेनेवर वी आर कंबस्टिंग अ हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, उसी को हाइड्रोकार्बन बोलते थे, टेंथ में हमने देखा था ये. ओके जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो. सो अगर तुम हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर रहे हो तो डायरेक्टली जितने कार्बन है उतने CO2 प्रोड्यूस होंगे. ओके क्या बोल रहा हूं, जितने कार्बन है उतने CO2, तो कार्बन एक है तो एक CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा और जितने हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे. सो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो हमारे कितना होगा, से ट्वाइस H2O होगा. ओके तो ये बैलेंस तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा. देखो कार्बन एक और हाइड्रोजन 4, तो 4 यहाँ पे हो गया. अब बाकी क्या रहा, सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना, तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 2, 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, दैट इज बैलेंस हो गया. ओके लेकिन करना क्या है कि सिंपली तुम्हें कार्बन जितने हैं उतने CO2, हाइड्रोजन जितने हैं उसके आधे H2O के मॉलिक्यूल्स. ओके एंड देन ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो. चलो ऐसे ही मैं अगर एक दू तुम्हें कैसे, तुम्हारे पास है C2H6, ओके उसका तुम्हें कंबशन करना है, तो क्या करोगे, इसका प्रोडक्ट में 2CO2 + 3H2O. ओके करेक्ट. और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आगे 3 रिएक्टेंट. So, कार्बन जितने हैं उतने CO2, so 2 कार्बन है तो 2CO2 एंड हाइड्रोजन 6 है सो सिर्फ 3H2O और ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो. तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 3 और यहाँ पर कितने हैं 4, तो टोटल कितने हैं, नहीं तो ये 2 और ये 2, 4. ओके और यहाँ पर 3, तो 7 है, तो 7 है तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो O2 है, O2 है तो 7 कहाँ से लाएंगे, सो हमें कुछ करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, से ऑक्सीजन 7 लाने हैं, सो से 7 लाने हैं, सो 7/2 कर देंगे. यस क्या किया हमने, 7/2, तो ये 2 कट हो गया, तो 7 ऑक्सीजन हो गया. यहाँ पर भी कितने हैं, 2 × 4, 4 × 3 = 7, हाइड्रोजन कितने 7 हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ पर भी 6, कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2. लेकिन अगर ऐसा रखना है तो गलत नहीं है, सही है. ना रखना हो तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 कट जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, तो आइज सी 2H6 + 2 × 7 = 14 O2. 2 × 7 नहीं करना है, मैंने भी कहा. ओके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7O2 that will be equals to say 4CO2 + 6H2O. Done? तो this is the दोनों वे सही है. अब यहाँ पर भी देखो, देखो 4 कार्बन हो गए, यहाँ पर भी 4 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 × 12 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 × 12 एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 6 × 4 = 8, तो टोटल 14, सो यहाँ पर भी 7 × 14. समझ में आया, तो ऐसे बैलेंस करते हैं. अंडरस्टूड, समझ में आया. सो चलो एक लास्ट. ओके तो तुम करो से C4H10 + O2.
बैलेंस भी करो और प्रोडक्ट तो तुम्हें पता ही है वैसे। चलो क्या हुआ फटाफट बैलेंसिंग बाकी है वरना इसमें तो ना ये तो सर ऐसे ही हो जाता है देखो ऐसे कुर्सी उठो प्लस 5H2 हो गया ओके बट बैलेंसिंग कर लो तो कितना है 5 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितना है 4 2 8 तो टोटल कितने हैं 8 + 5 13 करेक्ट 13 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितने हैं 2 तो मुझे 13 यहाँ पर लाने हैं तो मैं क्या कर दूंगा 13/2 से मल्टीप्लाई कर लो जैसे यहाँ किया था वैसे 13/2 से मल्टीप्लाई किया ये 2 कट हो गया तो कितना बच गया 13 अब वापस मल्टीप्लाई कर लो 2 से सो ट्वाइस C4H10 प्लस 13O2 दैट विल गिव ट्वाइस अगेन हाँ सो 8CO2 प्लस 2 5s 10H2 डन ओके इजी राइट हाँ चलो रब कर दूं ओके सो क्या बोल रहे हैं कि सपोज ये गैसियस है ये भी गैसियस है ये भी गैसियस है ये गैसियस नहीं है भाई ये लिक्विड है ओके सो क्या कह रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं रिएक्शन एंथैल्पी सो सपोज ये रिएक्शन हो रही है ना दिस इज अ रिएक्शन कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनना तो केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है तो रिएक्शन एंथैल्पी किसे कहेंगे तो रिएक्शन एंथैल्पी नथिंग बट से डेल्टा रिएक्शन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट दैट्स इट क्या करना है रिएक्शन एंथैल्पी फाइंड करने के लिए समेशन ऑफ प्रोडक्ट की जितनी एंथैल्पी होगी मतलब H2O की एंथैल्पी ये रिएक्शन हुआ तो H2O की एंथैल्पी कुछ होगी इसकी भी एंथैल्पी होगी तो सबकी जो एंथैल्पी है वो इसका प्लस कर दो इन लोगों का प्लस कर दो वैल्यू पुट कर दो आ गया लेकिन साथ साथ में हमें नंबर ऑफ मोल्स भी लिखने हैं सो नंबर ऑफ मोल्स तो प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डन तो अगर इसी को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे देखो एक बार देख लो पहले सो कैसे लिखेंगे से यहां पर पहले प्रोडक्ट का समेशन तो पहले है H2O सो मैं ऐसे लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ से H2O लिक्विड राइट एंथैल्पी ऑफ H2O लेकिन वो कितने हैं 2 है ओके तो मोल के साथ लेने हैं ना तो 2 मोल है तो 2 देन प्लस एंथैल्पी ऑफ CO2 सो वो 1 है तो उसके लिए तो कुछ नहीं सो से एंथैल्पी ऑफ से CO2 दिस इज गैसियस डन ओके माइनस यहाँ पे रिएक्टेंट का सेम वे सो से ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ CO2 गैसियस ओके प्लस से एंथैल्पी ऑफ CH4 गैसियस डन समझ में आया दैट्स इट इसी को बोलते हैं क्या रिएक्शन एंथैल्पी तो टॉपिक भले ही कितना भी बड़ा बड़ा हो लेकिन कहने का मीनिंग इतना ही है बुक की बात करो समझ में आया yes.
कि एक रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन एंथैल्पी किसे बोलेंगे भाई, जो मोल्स है उसको कंसीडर कर कर समेशन ऑफ सारे ही जो प्रोडक्ट है उनकी एंथैल्पी ले लो, उसमें से सारे ही जो रिएक्टेंट है उनकी एंथैल्पी ले लो कंसीडरिंग देयर मोल्स, उसको सबट्रैक्ट कर दो वो दोनों को, द व्हाटएवर आंसर यू विल हैव दैट इज द रिएक्शन एंथैल्पी, और उसको डिनोट करते हैं ऐसे, रिएक्शन का आर एंड देन फिर एंथैल्पी एंड डेल्टा फॉर चेंज, चेंज हो रहा है, एंथैल्पी कांस्टेंट नहीं रह रही है, चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई हम लिख रहे हैं कि चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज रिएक्शन एंथैल्पी, डन? ओके, सो ये रिएक्शन एंथैल्पी हमने पढ़ा, इसका यूज क्या है? ओके, इसका यूज ऐसा है कि तुम्हें पता चलेगा, ओके, जैसे कि सपोज तुम 11th 12th किया, फिर सपोज कॉलेज की जॉब करने जा रहे हो, तो जॉब कर रहे हो और इंडस्ट्री में तुम्हें पूछ रहे हैं, ओके, कि भाई ये रिएक्शन हो रहा है, यही रिएक्शन हो रहा है, ओके, CH4 को बर्न कर रहे हो तुम, मीथेन को बर्न कर रहे हो, एंड देन तुम्हारा ये प्रोड्यूस हो रहा है CO2NH2, ये रिएक्शन हो रहा है वेसल में, हाँ, एक कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है, तो अब पहले तो रिएक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, ओके, तुम्हें पहले हीट देनी पड़ेगी, ये वो, अब रिएक्शन कंटिन्यू रखने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ेगी या हीट लेनी पड़ेगी, मतलब कि ये जो वेसल है उसको तुम्हें और हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा, या फिर उसमें से हीट निकाल लेनी पड़ेगी, मतलब उसके आसपास वाटर, जैसे कल वो रेडिएटर का बताया था, ओके, कि पानी डालो रेडिएटर में तो वो क्या करेगा, पूरे इंजन के आसपास ऐसे सराउंड में घूमता रहेगा, सो इंजन की जो हीट है वो सारी हीट क्या ले ले, वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, क्यों? पानी, क्योंकि उसका टेम्परेचर लाइक हीट कैपेसिटी उसकी सबसे ज्यादा, हाँ, यस, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, हीट कैपेसिटी मतलब क्या? उसका यूनिट हीट कैपेसिटी, दो तरीके से हम करते थे, दो तरीके से हम करते थे, कौन कौन सी, एक तो मोलार हीट कैपेसिटी और दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो दोनों का डिफरेंट यूनिट भी मैंने बताया था, देखो मैं बता दे रहा हूँ रिवाइज, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टेम्परेचर, 1 degree Celsius टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 degree Celsius इज नोन एज द हीट कैपेसिटी, सो हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय सी और उसका यूनिट है से जूल और से किलो जूल, ओके, ऐसा यूनिट जूल और से किलो जूल हम लेंगे, किलो जूल पर केल्विन लेंगे हम, ओके, अब उसमें हमने दो देखा था, वही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 mole ऑफ सब्सटेंस बाय 1 degree Celsius इज नोन एज मोलार स्पेसिफिक मोलार हीट कैपेसिटी दैट इज CM, तो उसका यूनिट होगा किलो जूल पर मोल केल्विन, दैट्स इट, एंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 degree Celsius इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज स्मॉल सी, ओके, एंड इट्स यूनिट इज किलो जूल पर से केजी केल्विन, याद आ गया, ओके, चलो, सो ये रिएक्शन हमने किया, ओके, ये रिएक्शन हुई, अब तुम्हें बताना है, वो पूछ रहे हैं तुम्हारे सीनियर्स इन द सेंस तुम्हारे एम्प्लॉई, ओके, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, सो एम्प्लॉयर पूछ रहे हैं और तुम एम्प्लॉई हो, ओके, तुम एम्प्लॉई हो और वो एम्प्लॉयर है, सो वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या करें, अब बताओ, तुम्हें हायर किया है, उनको केमिस्ट्री नहीं आती वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने तुम्हें हायर किया है, तुम्हें सैलरी दे रहे हैं,
तो बोलेंगे कि ये रिएक्शन हो रहा है। अब मैं क्या करूं, उसके आसपास पानी, पानी से ये सब हम गए वापस, सो उसके आसपास मैं पानी घुमाऊं सो दैट उसके अंदर की हीट कम हो जाए, या फिर उसको और हीट दू, गर्म करूं सो दैट ये मुझे रिएक्शन बंद नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए और व्हाटएवर। ओके, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करनी है। तो पता कैसे चलेगा कि ये डेल्टा एच की वैल्यू अगर तुम यहां निकालोगे और डेल्टा एच की वैल्यू ऐसा समझो कि पॉजिटिव आई। ओके, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई मतलब हीट पॉजिटिव। हीट पॉजिटिव कब होती है, जब सिस्टम के अंदर हीट एंटर होती है। ओके, सो फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा, इट इज से एक होता है हमारा, दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब यहां से हीट निकल रही है, ये तो प्लस है, मतलब उसको देनी है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें बोलना पड़ेगा कि सर हीट दो प्लस है, या फिर यहां से हीट निकलेगी तो दैट इज माइनस। तो सर सपोज रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर दे पाएंगे, ये इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, कि ये जो हमने पढ़ा रिएक्शन एंथैल्पी, उसकी उसका यूज क्या है। तो रिएक्शन में एंथैल्पी का क्या चेंज हो रहा है, तो वो दैट वी कैन डिफाइन इन द इंडस्ट्री। ओके, समझ में आया, तो वो उसकी एप्लीकेशन है। सो प्लस है, प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग है कि हीट सिस्टम के अंदर जा रही है, तो मतलब तुम्हें जाने ही देनी है तो कंटिन्यू करो, तुम्हें जाने नहीं देनी है दैट मीन्स भाई तुम फिर वाटर भेजो आसपास सो दैट वहां से हीट निकल जाएगी, अंदर हीट जाएगी नहीं, लाइक दैट। तो इट इज द एप्लीकेशन। ये हमने रिएक्शन एंथैल्पी क्यों पढ़ा, क्योंकि हम एप्लीकेशन उसकी समझ सके। तो इंडस्ट्री में उसकी एप्लीकेशन होती है। ओके, सिंपल है, समझ में आ गया। सो ये है हमारी देखो रिएक्शन एंथैल्पी। सो रिएक्शन एंथैल्पी देखो यहाँ पे मोल की जगह उन्होंने एआई और बीआई यूज किया है, अदरवाइज वही चीज है। ओके, देखो वही मीथेन ऑक्सीजन सीओ टू एच टू ओ, सो से एच ऑफ से सीओ टू गैसियस, देन ट्वाइस एच टू ओ एच का माइनस सी एच फोर का। अब यहाँ पर तुम गलती मत कर देना कि वो कल हमने जो मोल ढूंढा था तो उसमें गैसियस था, यहाँ पे हम गैसियस की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सारे ही लेने हैं प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। जब आइडियल गैस इक्वेशन ले तो आइडियल गैस इक्वेशन गैसियस के लिए है, तब जाके तुम्हें क्या लेना है वहां पर, सिर्फ गैसियस का। ओके, सो मोलर एंथैल्पी है, क्यों यहाँ पे देखो यहाँ पे मोलर एंथैल्पी बोला है, तो मोलर एंथैल्पी क्यों, क्योंकि हमने मोल को मल्टीप्लाई कर लिया है, दैट इज मोलर एंथैल्पी। तो हमने भी तो मोल को मल्टीप्लाई किया है, तो एक्चुअली हमने भी लिखा क्या है, मोलर एंथैल्पी ही लिखा है, क्योंकि जो एक्चुअल एंथैल्पी है उसके मोल्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो मोलर एंथैल्पी हो गई, सिंपल। ओके, सो वही है मोलर एंथैल्पी, मैं जितना बने उतना सिंप्लीफाई करके तुम्हें बता रहा हूं। ये जो बुक में तुम पढ़ोगे, सपोज ये भी तुम पढ़ोगे तो बुक की फिगर देखो, ये फिगर देखो। ओके, सो जितना हो सके उतना मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, कि जब तुम बुक में से पढ़ो तो तुम्हें एटलीस्ट याद रहे कि भाई ये तो वैसे ही सिर्फ शो ऑफ किया गया है, एक्चुअल में लॉजिकल बात इतनी ही है। ओके, बहुत लंबा चौड़ा एक ही बात को चार पांच बार लिख दिया है, थियरी को बड़ा किया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, सब कुछ सही है, डिटेल में हमें पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद तुम डिटेल में पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ऐसा समझो डायरेक्ट वो समझ रहे हो और हमने ये समझा ही नहीं है, डायरेक्टली तुम बुक रीड कर रहे हो तो तकलीफ होगी। तो ये हम उसको ईजी बना रहे हैं। ओके, तुम्हारी सेल्फ स्टडी भी इजी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारा मोटो क्या है, तुम्हें समझ में आ जाए। ओके, देखो मैं समझाने के बाद अगर तुम रीड नहीं करोगे तो यहां तो समझ जाओगे, लेकिन हमारा जो गोल है मार्क्स लाना है, ये वो फुलफिल नहीं होगा। और अगर तुम डायरेक्ट कर रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग तो फिर ये अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो मार्क्स कहां से आएंगे। सो दोनों तरीके से रिक्वायरमेंट है। ओके, तो समझना भी है एट द सेम टाइम फिर पढ़ना भी है, बट समझने के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, देन उसमें थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो पढ़ लेनी है। अगेन जो JEE और से नीट और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, वो तो मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूँ कि ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं हो सके उतना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, कि भाई रिएक्शन एंथैल्पी तो ये एक ही स्लाइड में खत्म हो गई रिएक्शन एंथैल्पी। ओके, लाइक दैट। सो ये मोल है, ये है, ये यूनिट वूनिट, ये तो रिविजन किया, समझ में आ रहा है। ओके, सो वैसे ही अगर तुम खुद की, मैं बोल नहीं रहा हूं बनाओ नोट्स, तो मैंने तुम्हें वो बनाने को बोली है, कौन सी,
स्पेसिफिक जो जे फॉर्मूलाज जे डबल ई नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाए वो सबके नोट्स, लेकिन फिर भी अगर क्योंकि एनसीईआरटी अच्छी है, बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए, ओके, फिर भी अगर तुम्हें खुद की नोट्स बनानी है, इफ यू आर रेगुलर इनफ एंड यू हैव दैट मच ऑफ टाइम, ओके, देन यू कैन डू दैट. खुद की नोट्स बनाओ ऐसे, और जो अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब जो लेस इम्पॉर्टेंट है, सपोज ये थियरी 3 मार्क्स में पूछे जाएगी और तुम ये पूरा 2 पेज तो लिखने वाले नहीं है 3 मार्क्स में, तो क्या लिखने वाले है भाई? फिगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे, लेबलिंग करेंगे, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट अभी मैंने बोर्ड पे जो तुम्हें बताया समझाया उतना तुम लिख दोगे, 3 मार्क्स आ जाएंगे, 2 पेज तो हम लिखने वाले नहीं है, तो फिर पढ़ाई के लिए भी तुम उतनी नोट्स बना सकते हो, ओके. अदरवाइज बुक में से ही रीड करो. सो ये है हमारी मोलार एंथैल्पी. Now, next हम देखते हैं, देखो यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया, enthalpy change is a very useful quantity, knowledge of this quantity, yeah, देखो ये बताया, knowledge of this quantity is required when one needs to plan the heating or cooling required to maintain an industrial chemical reaction at constant temperature. It is also required to calculate the temperature dependence of equilibrium constant. तो ये इसकी application है. ये दो अगर पूछे कि भाई ये जो reaction enthalpy है उसकी application बताओ, 2 मार्क्स में पूछ ले, तो 2 मार्क्स में सिर्फ हमें 2 सेंटेंस ही लिखने हैं. एक जो chemical reactions है उसमें हमें heating देना है या cooling करना है at constant temperature, वो पता चले, और equilibrium constant find करने के लिए, temperature dependence of equilibrium constant, तो equilibrium constant find करने है, वही चीज पहला पॉइंट है, वही चीज सेकंड पॉइंट है. equilibrium constant मतलब क्या? temperature तुम्हारा constant है, तो जनरली ये रिएक्शन हो रही है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है और वहां पे वो बन रहा है, तो यहाँ पे सपोज ये साइड में ज्यादा हीट है, ये साइड में थोड़ी कम हीट है, तो फिर यहां से यहां जा रहा है, तो मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी तो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है इसलिए तो जा रहा है. अगर कांस्टेंट हो जाता, अगर बैलेंस ही है तो रिएक्शन ही नहीं होती ना, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम बात कर रहे थे, ओके, कि भाई एक साइड ज्यादा पोटेंशियल है एक साइड कम पोटेंशियल है, तभी तो जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, अगर ये डिफरेंस है तभी तो मूव हो पा रही है हीट, अगर सेम ही है तो मूव ही नहीं हो पा रहेगी. लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भाई वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है जिससे हमें पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम रीच हो गया. इक्विलिब्रियम का पूरा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम का हमारा पूरा चैप्टर ही है, वो हम पढ़ने वाले हैं. सो अभी के लिए सिर्फ बता रहा हूं कि कांस्टेंट वो क्या होगा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ओके. तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए भी ये रिएक्शन एंथैल्पी का यूज हो सकता है, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है. अंडरस्टूड, समझ में आया? तो 2 सेंटेंस लिखने हैं. नाउ अब देखो ये चीज बताई गई है, क्या वो इतना बड़ा बताया गया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला गया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. सो एकदम सिंपल बता रहा हूं, स्टैंडर्ड, ये लोग क्या कर रहे हैं यूमी और चिराग, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या है, एकदम सिंपल मैं बता रहा हूं. जैसे कि मैंने वाटर लिया, यहां पे आइस लिया, यहां पे वाटर लिया लिक्विड, ओके, और यहां पे स्टीम, एंड मैंने टेम्परेचर लिया 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, एंड 1 एटमोस्फियर प्रेशर, 1 एटमोस्फियर बोलो, 1 बार बोलो, जो बोलना है, ओके. अगर मैंने ये तीनों चीज दी है, इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो स्ट्रीम बाहर चली जाएगी, ओके. सो आइस है, वाटर है और स्टीम है, इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, मतलब ऐसा समझो 27 है, 25 है, तो अभी हमने 25 था, अभी 7 क्या ठंड लग रही थी, ओके. सो 27 और अभी एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर है ये, तो मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है, तो बुरा लग गया. रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात चल रही है, ओके. सो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, और वहां पे मैंने स्टीम ली हुई है, वहां पर मैंने आइस लिया हुआ है, और वहां पर मैंने वाटर लिया हुआ है. ऐसे 3 कंटेनर, ऐसे 3 चेयर पे मैंने कंटेनर रख के ऐसे मैं देख रहा हूँ तीनों को. रूम टेम्परेचर है,
25 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बस देखते ही जा रहा हूँ क्या हो रहा है उनमें। वो लोग भी देख रहे हैं। कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो आइस है उसको मैं देख रहा हूँ धीरे 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 सब पानी पानी कर दिया, मतलब आइस का कन्वर्जन क्या हो गया, लिक्विड वाटर में कन्वर्जन हो गया। पानी है वो तो वैसे का वैसा ही है, कोई चेंज ही नहीं है। एंड गैस है, स्टीम है, ओके तो स्टीम का कुछ होगा क्या, एनी गैस? तो ठंडा होगा या नहीं होगा पहले वो बताओ। अभी स्टीम है अंदर, एक कंटेनर है जिसके अंदर स्टीम भरी हुई है, स्टीम ही है, और अब उसको कंटेनर को यहां रख दिया तो ठंडा होगा वो, ठंडा होगा क्यों, स्टीम तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है और अभी 25 है, तो क्या होगा ये हीट बाहर चली जाएगी, और बाहर हीट बाहर चली गई, पानी तो अंदर है ही, मतलब H2O तो अंदर है ही, हीट बाहर चली गई तो उसका क्या हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा। फेज मतलब ये सॉलिड लिक्विड गैस को क्या बोलेंगे, फेज, तो उसका फेज चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्टीम से लिक्विड बन जाएगा। दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, अभी बात करेंगे अगर अभी हम, लेकिन स्टैंडर्ड से स्टेट, ओके स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है और से स्टैंडर्ड फेज कौन सा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी से पहले हम बात करें स्टैंडर्ड फेज को, H2O का स्टैंडर्ड फेज कौन सा है, तो H2O का स्टैंडर्ड फेज है वाटर, मतलब उसका डेफिनेशन कि 298 केल्विन पर और से 1 एटमॉस्फेयर और से 1 बार, दोनों सेम ही है मैंने बताया, 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार प्रेशर पर सब्सटेंस का जो भी फेज सबसे ज्यादा स्टेबल हो एंड सबसे ज्यादा प्योर हो, सबसे ज्यादा स्टेबल एंड सबसे ज्यादा प्योर at 298 केल्विन एंड 1 एटमोस्फेयर प्रेशर, उसको उसका स्टैंडर्ड फेज बोलेंगे। समझ में आ गया स्टैंडर्ड फेज मतलब, स्टैंडर्ड मतलब क्या कि अभी जैसे हमने ले लिया आइस वाटर एंड स्टीम, तो H2O का स्टैंडर्ड फेज कौन सा होगा, वाटर। सेम वे में चलो ऐसा समझो यहां पे आइस नहीं है, यहां पे है हाइड्रोजन गैस लेकिन सॉलिड में, यहां पर भी है तो हाइड्रोजन है, ऐसा बोल रहा हूं हाइड्रोजन गैस नहीं, यहां पर भी हाइड्रोजन है लिक्विड में और यहां पर भी हाइड्रोजन है गैसेस, डन, सेम क्या होगा, एनी गैस? देख रहे हैं अब हम वापस, अब हाइड्रोजन को देख रहे हैं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण बन जाएंगे, भजन है तो होगा क्या कि जैसे थ्री फेज हमने रखे लेकिन वन बाय वन वो कन्वर्ट हो गए एक फेज में जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, वो था हमारे लिए H2 के लिए लिक्विड, वैसे ही H2 के लिए हाइड्रोजन के लिए वो फेज है गैस, कि अगर तुम सॉलिड हाइड्रोजन लो और यहां रख दो करके पूरा गैस बन जाएगा, तुम लिक्विड हाइड्रोजन लो और ये टेम्परेचर प्रेशर पे रखो, वापस लिक्विड में से क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, मतलब यहां पर सब्लिमेशन हो जाएगा, यहां पे वेपोराइजेशन हो जाएगा और ये तो गैस है, गैस ही रहेगा, अंडरस्टूड? तो सारे ही सब्सटेंस के लिए ये जो स्टैंडर्ड फेज है वो तो डिफरेंट होगा, अभी H2O के लिए लिक्विड था, हाइड्रोजन के लिए गैसियस है, ओके कार्बन रख दू तो वो क्या होगा, सॉलिड होगा, कार्बन होगा तो क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट होगा, सबके लिए अलग अलग, स्टैंडर्ड फेज समझ में आ गया, ओके सो दिस इज स्टैंडर्ड फेज। और उस एक बुक में है आयरन के लिए, याद रख लेना आयरन के लिए यही चीज, सेम चीज लेकिन कंडीशन डिफरेंट है, क्या, एक ही कंडीशन डिफरेंट है, दैट इज 500 केल्विन, ओके तो एकदम प्योर स्टैंडर्ड आयरन तुम्हें कब मिलेगा, जब 500 केल्विन टेम्परेचर हो, 1 बार प्रेशर हो एंड दैट्स इट, और वो सबसे, वो प्रेशर और वो टेम्परेचर पे तुम्हें सबसे स्टेबल एंड सबसे प्योर आयरन मिलेगा, डन, सिंपल था, ओके। नाउ हम बात करते हैं दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस की, ओके सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस की हम अगर बात करें
तो ये समझ में आ गया राइट, स्टैंडर्ड फेज का तो समझ में आ गया, ये एक मार्क में पूछा जा सकता है तो याद रख लेना क्योंकि ये एक्सेप्शन है। 500 पे वो मतलब प्योर एंड स्टेबल है, कौन? आयरन, लोखंड। ओके चलो नेक्स्ट। सो अब हम बात कर रहे हैं से स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस। स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो से तीन प्रोसेस हम लेते हैं। से यहां पर हम लेते हैं सॉलिड टू लिक्विड, देन लिक्विड टू सॉलिड, देन किस ख्याल आतों में है, सही सही लिखती लिक्विड टू गैस एंड यहां पर सॉलिड टू गैस। ओके सो ये हम रिएक्शन देख रहे हैं, हमें पता है कि सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड जाना है तो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग, आइस मेल्ट हो रहा है। ओके सो वी कैन से इट इज अ मेल्टिंग, और उसका दूसरा भी एक नाम है दैट इज फ्यूजन। क्या हो रहा है, फ्यूजन और से मेल्टिंग। देन सो हमारे पास, हमने ये कंटेनर लिया और मैंने ऐसे आइस ले लिया, ओके आइस ले लिया, आइस लिखा हुआ ही चला गया अच्छा चलो सो आइस ले लिया, क्या किया है 298 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर। ओके ये रखा, क्या होगा अभी तो देखा ना, क्या होगा, वाटर में कन्वर्जन हो जाएगा, तो ये हीट ले रहा है, ये हीट ले रहा है एटमॉस्फेयर में से, ये हीट ले रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर। तो ये देखो कांस्टेंट प्रेशर है क्योंकि हमने बंद नहीं किया है, तो कांस्टेंट प्रेशर से क्यूपी और क्यूपी वो जो भी हीट लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच। तो ये जो डेल्टा एच मिलेगा, ये डेल्टा एच सपोज फ्यूजन का है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्यूजन एंड एच, दैट्स इट। ओके तो द चेंज इन द एंथैल्पी व्हाइल गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट at 298 Kelvin and 1 bar pressure, that enthalpy change is defined as the standard enthalpy difference of fusion process. हम क्या बोल रहे थे, standard enthalpy difference. Enthalpy difference मतलब अब तक जो हम पढ़ रहे हैं delta H वो enthalpy difference, तो इसके आगे standard लगा दिया, तो अभी हम जो standard phase जो पढ़े हम वही है, तो स्टैंडर्ड फेज कब मिलेगा, 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, तब स्टैंडर्ड फेज मिलेगा। तो फिर एंथैल्पी डिफरेंस तो हमें पता ही है डेल्टा एच है भाई, तो आप बोल रहे हो कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस मतलब क्या, तो भाई वो जो कंडीशंस है वो कंडीशंस तुम स्टैंडर्ड रखना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर सॉलिड टू लिक्विड जाओगे और तब जो डेल्टा एच का चेंज होगा, मतलब से जो डिफरेंस होगा एंथैल्पी में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस। लेकिन नीचे फ्यूजन लिख दिया है क्योंकि ये फ्यूजन प्रोसेस है, वेपोराइजेशन कर रहे हैं। चलो अब सपोज हमने सेम थिंग, ओके सेम थिंग, अब देखो आइस, आइस तुमने कितना लिया, सपोज तुमने 1 मोल ले लिया, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, किलो जूल पर मोल। आइस तुमने अगर 1 मोल लिया तो मैं क्या लिखूंगा, किलो जूल जो हीट वो लेगा वो पर मोल। आइस अगर तुमने 1 केजी ले लिया तो मैं क्या बोलूंगा, किलो जूल पर केजी, अगर केजी में लिया तो केजी, और मोल मैंने 1 मोल ले लिया, 1 मोल मतलब क्या होगा,
नहीं नहीं वो एवोगाड्रो नंबर, वो तो उसके अंदर उतने पार्टिकल्स होंगे वो नहीं, लेकिन कल जो बताया था वन मोल मतलब क्या, वन मोल इज इक्वल्स टू उसका वेट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो सपोज उसका वेट मैंने बोला कि भाई 18 ग्राम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, 18 ग्राम ले रहा हूं उसका वेट, 18 ग्राम आइस लिया है मैंने, तो उसका मॉलिक्यूलर मास तो 18 ही है भाई, वो तो पता ही है H2O, H2O, तो दो हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का तो एक ही है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का कितना है 16, सो 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18, 18 बाय 18 तो 1 मोल हो गया ना। सो अगर मैंने 1 मोल लिया तो पर मोल लिख देंगे, अगर मैंने 1 केजी लिया, कितना लिया 1 केजी, तो हम डायरेक्टली मोल ना लिख के क्या लिखेंगे, किलो जूल पर केजी। ओके दैट इज ओके। अब नेक्स्ट हम यहाँ जा रहे हैं लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड टू गैस में जाए तो हम पता ही है हम क्या बोलते हैं उसको, वेपोराइजेशन बोलते हैं। सो वेपोराइजेशन मतलब क्या, हम वो ही बोलेंगे डेल्टा वेपोराइजेशन एच, दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस, वेपोराइजेशन स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन एंथैल्पी डिफरेंस ऐसा बोलेंगे हम। क्या किया भाई हमने अभी, सपोज क्या लिया से 1 मोल ही ले रहे हैं, सो यूनिट क्या आएगा से किलो जूल पर मोल, डन। सो से इफ वी आर कन्वर्टिंग 1 मोल ऑफ वाटर टू स्टीम, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड इज एट 298, ये तो मेन है 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर is known as the standard vaporization enthalpy difference, that's it। और उसके जैसा ही क्या हो जाएगा यहां पर, लिक्विड से गैस नहीं जा रहे हम, लिक्विड से गैस तो चले गए ऑलरेडी, अब हम जा रहे सॉलिड टू गैस। ओके, ओम कपूर गौरम करुणा अवतारम वाला कपूर। ओके ओके, सो कैम्फर, तो ये जो कैम्फर है कपूर है, जैसे ही हम ऐसे आरती में रखे तो सॉलिड में से पानी लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं, सॉलिड में से डायरेक्टली गैसियस। ओके, सो वो अगर होगा तब भी एंथैल्पी डिफरेंस होगा, लेकिन कब, ये कंडीशन 298 केल्विन, स्टैंडर्ड का मीनिंग उतना ही है, नहीं तो डेल्टा एच तो हमें पता ही है ना भाई, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी डिफरेंस, बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस मतलब से 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, अंडरस्टूड। ओके, सो दैट इज देयर, तो वो कैम्फर है, फिर दूसरा होता है से सॉलिड CO2, सॉलिड ही है ना, सॉलिड टू गैस जाना है, सो से डेल्टा एस, इसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। ओके, सो डेल्टा सब्लिमेशन एच, ओके, फॉर व्हाट, फॉर से CO2, सो वो अराउंड आता है 25.2। ओके, इसकी वैल्यू आती है अराउंड में, मैं तो रफली बोल रहा हूँ, फिर वही वैल्यू सपोज सब्लिमेशन एच और से यहाँ पे तुम ले रहे हो नेप्थलिन, तो नेप्थलिन बॉल्स हम रखते हैं पता है कपबोर्ड में, और उसमें नेप्थलिन बॉल्स, और से टॉयलेट में भी रखते हैं होटल्स में, वो व्हाइट कलर के बॉल्स होते हैं जिससे फ्रेग्रेंस आती रहती है, और धीरे धीरे करके वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड टू गैसियस में चले जाते हैं, तो उसकी होती है थोड़ी बहुत ज्यादा से 73 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। तो मतलब क्या के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट प्रेशर कितना 1 बार वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो चेंज होता रहता है ना। ओके, सो 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर अगर हमने कोई एक सब्सटेंस लिया है वो सॉलिड में से गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो ये सब्लिमेशन प्रोसेस के टाइम पे जब एंथैल्पी डिफरेंस होगा, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड सब्लिमेशन एंथैल्पी डिफरेंस, अंडरस्टूड, सिंपल था राइट। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है
ओके सो तो ये था हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस. तो उसका थोड़ा यहाँ पर वैल्यू गिवन होगी. देखो जैसे कि ये तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गई. देन दैट्स इट. आयरन की बात की गई है क्या? ये रहा देखो, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन एट 500 केल्विन इज प्योर आयरन एट 1 bar. ओके सो दैट कैन बी आस्क्ड इन 1 mark. ओके अदरवाइज जो हमने डिस्कस किया वही है, वो भी हमने डिस्कस तो किया था. नाउ एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसी की बात है. सो से H2O सॉलिड में से लिक्विड में जाएंगे तो वो कितना है? 6 kJ/mol. मतलब 1 mole आइस लिया हमने और 1 mole आइस है 298 केल्विन टेम्परेचर है, 1 bar प्रेशर है, तो वो 6 kJ हीट लेगा तब जाके वो आइस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में. समझ में आया? सो उसकी वैल्यू है 6 kJ/mol और उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, वही हमने बोला. द एंथैल्पी चेंज दैट अकॉम्पनीज मेल्टिंग ऑफ 1 mole ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अगर मोलर बेस ले, क्योंकि किलो जूल पर मोल अभी मोल लिया ना, तो उसको हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. कोई भी डेफिनेशन पूछे यही चीज लिखनी है. ओके समझ में आया? देख तो ये क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर डिट्टो ना रखे कोई जरूरी नहीं है. हमें जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole ऑफ आइस इनटू लिक्विड एट 298 केल्विन एंड 1 bar प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. हमारी तरह से बना सकते हैं लेकिन सब कुछ आ जाना चाहिए. फिर ये बनाने के चक्कर में कुछ छूट नहीं जाना चाहिए कि भाई सॉलिड से लिक्विड में जाना है, देन 1 mole लिया है, अमाउंट ऑफ हीट वो किलो जूल भी उसके अंदर आ गया, देन 298 केल्विन भी आ गया, 1 bar प्रेशर भी आ गया, वो सब कुछ अंदर आ जाना चाहिए. जरूरी नहीं है कि तुम यही रट्टा मारो. ओके समझ के डेफिनेशन लिखनी है. ओके चलो यहाँ देखो लिक्विड का. सो ये लिक्विड है तो लिक्विड का कितना है इसे वेपोराइजेशन? 40 kJ/mol. मतलब 1 liter अगर तुम 1 mole पानी लोगे ओके तो उसकी वेपोराइजेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन एंथैल्पी कितनी है? 40.79. यू कैन अप्रोक्सीमेटली टेक एज 40. अब वापस उसी की डेफिनेशन, वही चीज. ओके देन सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन देखो, मैंने जैसे बताया कि सॉलिड CO2 और ड्राई आइस सब्लिमेट्स एट 195 केल्विन विथ 25 kJ/mol. ओके तो इसके लिए टेम्परेचर बहुत कम है. देखो 195 केल्विन, ओके 298 केल्विन से कितना हो गया है? 100 केल्विन कम हो गया है. सो 195 दैट डज नॉट मीन कि 298 पे नहीं होगा, होगा. 195 तो मिनिमम है कि वहीं से स्टार्ट हो जाना. 195 केल्विन और 1 bar प्रेशर है तो क्या हो जाएगा? वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. कौन? सॉलिड CO2. ओके जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, सूखो बर्फ. ओके लाइक दैट. सो ये टेम्परेचर से स्टार्ट हो जाएगा 298 पे. अरे 298 पे तो और अच्छे से होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है. ओके बट स्टार्टिंग कंडीशन है उसकी 195 केल्विन. तो उसका 24 है. नेप्थालिन बॉल्स, देखो ये नेप्थालिन. सो नेप्थालिन का कितना है स्लोली फॉर दिस से 73. तो यही टेम्परेचर पे नेप्थालिन का क्या केस है? 73 kJ/mol जो मैंने अभी लिखा था वैल्यू. सो दैट मीन्स कि वो स्लो है. तो अगर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई एट रूम टेम्परेचर, यहाँ तो 195 केल्विन था, हमें रूम टेम्परेचर भी बोल दे. ओके तो कुछ नहीं, हमें सेम चीज ही लेनी है. वी नो दैट एट, सिंस वी नो दैट एट 195 केल्विन द एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फॉर ड्राई आइस इज अप्रोक्सीमेटली 25 kJ/mol एंड फॉर से नेप्थालिन्स इट इज 73 kJ/mol. सो एट 195 केल्विन द नेप्थालिन कन्वर्ट्स, सॉलिड नेप्थालिन कन्वर्ट्स टू गैसियस स्टेट
slowly because it needs larger amount of heat compared to the dry ice. Dry ice तो 25 kilojoule heat चाहिए. ओके okay. और इसको 73 किलो जूल ऑफ हीट चाहिए. ज्यादा हीट चाहिए तो ज्यादा टाइम लगेगा. ओके okay, पानी को अगर सेम अमाउंट लिया है तुमने वन मोल और तुम्हें ज्यादा हीट देनी है मतलब ज्यादा टाइम लगेगा. ओके सो स्लोली कौन हो रहा है नेप्थालिन. तो अगर 195 केल्विन पे अगर नेप्थालिन स्लोली सब्लिमेट हो रहा है तो 298 केल्विन पे भी नेप्थालिन ही स्लोली सब्लिमेट होगा. ओके तो ये सेंटेंस डिक तो छाप दो और फिर बोलो कि इट इज एप्लीकेबल टू 298 केल्विन आल्सो. समझ में आया. वैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट अगर कंसेप्ट हमारा सही हो समझे हो तो आ जाएगा. ओके सो ये हमने देखा वही है. अब देखो वही चीज का वापस न्यूमेरिकल बना दिया गया है. क्या बोला है, अ स्विमर कमिंग आउट ऑफ अ पूल इज कवर्ड विथ अ फिल्म ऑफ वाटर वेइंग 18 ग्राम. अब देखो कितना गुण ये, इसको बोलते हैं ऐसे कान पकड़ना. ओके मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि वन मोल ऑफ वाटर है और वन मोल ऑफ वाटर का अभी लिक्विड से वेपोराइजेशन करना है. तो अभी हमने देखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 298 केल्विन, 1 बार प्रेशर, 1 मोल तुमने वाटर लिया तो जो भी हीट होगी जिसकी वैल्यू अभी हमने देखी 40 किलो जूल के आसपास है, 40.73 व्हाटएवर. सो 40 किलो जूल जैसी है तो 40 किलो जूल हीट लेंगे तब जाके ये 1 मोल लिक्विड से कहां चला जाएगा, वेपर में चला जाएगा, गैसीय स्टेट में चला जाएगा. ये वही चीज बोल रहे हैं. अब 1 मोल नहीं बोला, क्या बोला, 18 ग्राम. तो भाई वाटर अभी बताया था 18 ग्राम तो मोल मतलब क्या, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो 18 / 18 तो 1 मोल ही हो गया. ओके तो 1 मोल ही है. वापस 1 मोल ऑफ वाटर, तो वाटर तुम्हारे ऐसे हाथ में दे दिया है 1 मोल ऑफ वाटर. ये अभी ऐसे कान पकड़ रहे, क्या बोल रहे, स्विमिंग पूल में गए और फिर निकले तो बॉडी पे क्या होगा भाई, तेल थोड़ी होगा, पानी होगा. ओके तो पूरे सरफेस पे क्या चला गया, ये हमारा वाटर आ गया. तो ये जो वाटर है उसको वेपोराइजेशन करना है. तो भाई डेल्टा एच कितना होगा, डेल्टा यू कितना होगा, तो हमें पता ही है लेकिन उल्टी तरह से पूछा गया क्वेश्चन है. ओके मतलब जो ऐसे थोड़ा लंबा हो जाए, अभी स्विमर वाला क्वेश्चन है, ये क्या है वो, ये क्या है वो, क्या नहीं, पानी दिया हुआ है 1 मोल, दैट्स इट. ओके अब वो पानी किसकी बॉडी पर है, कौन से कंटेनर में है, कटोरे में है, जहां हो वहां. ओके तो बोल रहे स्विमर कमिंग आउट ऑफ अ पूल, हाँ तो ठीक है. ओके सो वैसा ही है, तो जैसे ये लास्ट वाले न्यूमेरिकल मैंने बताया कि वो डिस्कस करेंगे, वैसे ही यही सारे सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे. बट कहने की बात क्या है, देखो इसमें भी क्या किया है कि भाई अब फाइंड करो तुम लोग इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस, कैलकुलेटिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन, इंटरनल एनर्जी नॉट डेल्टा एच, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन. तो तुम डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन फाइंड करो. ओके इंटरनल डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, अभी तो बोला. ओके सो डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन फाइंड करो, उसकी वैल्यू डाल दो, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी की जगह तुम यहाँ पे गैसियस आ रहा है, स्टीम बन रहा है, सो तुम रख सकते हो डेल्टा एम गैसियस आर टी पी डेल्टा वी की जगह, वो वैल्यू पुट करो तो तुम्हें मिल जाएगा. समझ में आया, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल. देखो मतलब अभी बताना हो तो अभी बता दूं, पर आई थॉट कि हम सारे न्यूमेरिकल साथ में लेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है ऐसे. देखो ये 1 मोल आ गया, ये H2O गैसियस, H2O लिक्विड, कुछ भी नहीं. तो N इंटू डेल्टा H, ये डेल्टा H हमें ऑलरेडी गिवन है, वैल्यू गिवन है, तो फाइंड किया. क्या बोल रहे हैं, हीट सप्लाइड टू इवोपरेट 18 ग्राम ऑफ वाटर एट 298, हाँ गिवन ही होगी, नहीं तो फिर 40 याद रखो हम, ये 44 क्यों याद रखी, ये गिवन है ना 44. ओके अदरवाइज हमने याद रखी थी 40, क्योंकि उन्होंने ही अभी देखो ये कितने मतलब दोगले हैं, ये देखो 40.079 यहाँ अभी, ये मतलब 2 मिनट नहीं हुई है रंग बदल लिए, तो क्या करें अब. ओके तो दुनिया ऐसी हो गई है. मैं वापस आ रहा हूँ माँ, ये दुनिया बहुत बुरी है. तो वही है 44 भी, ये सब कुछ भी नहीं है, सब गिवन ही लिख दिया है. डायरेक्टली हमें करना क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, ये यहाँ आएगा तो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, वही है पी डेल्टा वी को लिख दिया डेल्टा एन
आरटी। अब डेल्टा एन गैसियस, तो ये हमारा फॉर्मूला है, मैंने कल ही बताया था गैसियस ही कंसिडर करना है, तो यही गैसियस है। तो प्रोडक्ट किसने मोल है 1, माइनस रिएक्टेंट कितने मोल है 1, लेकिन वो भाई ये तो लिक्विड है, ओके तो कुछ करना ही नहीं है, ओके सो ये लिक्विड है तो उसकी वैल्यू 1 डाल दो, वो 1 डाल देंगे, सो वो वैल्यू 1 डाल दी, टेम्परेचर डाल दो 298 टेम्परेचर डाल दिया, सब कुछ वैल्यू पुट कर दी, ये आर की वैल्यू डाल दी 8.314, सारी वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 1। कुछ है नहीं, बट हम साथ में थोड़े डिटेल में, इतने फास्ट नहीं, थोड़े अच्छे से डिटेल में करेंगे, बट है कुछ नहीं वो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स में ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, कंसेप्ट याद होगा, देख फिर ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो कंसेप्ट भूल गए, हाँ ये भी है यार। तो सो मोस्ट प्रोबेबली मे बी नेक्स्ट लेक्चर में ही हम ले लेंगे, क्योंकि आधा चैप्टर तो हमारा हो गया है कंप्लीट, सो हम न्यूमेरिकल भी यहां तक के ले लेंगे, ओके क्योंकि कंसेप्ट भूलना नहीं है, नहीं तो फिर मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि हम ऐसे पढ़े थे, ओके लाइक दैट। तो इसीलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी है वो ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है तुम लोगों को याद ही है, ओके सो नेक्स्ट है ये वाली, ओके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये हमें देखनी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या कहना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड, देखो डिफरेंट डिफरेंट है, अभी हमने क्या बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस, तो डेल्टा एच लेकिन स्टैंडर्ड, तो फेज चेंज में, अब हम क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बोल रहा है, ओके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है, मतलब कि कोई रिएक्शन बन रही है, तो जब रिएक्शन बन रही हो तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या, ये जो तुम्हारी रिएक्शन है कोई भी रिएक्शन, ओके अब ये मैंने नोट्स तो तुम्हारे लिए ये बनाई है, मतलब जिसमें से मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है चलो बता देता हूँ उसमें से भी एक दो, कहने का मीनिंग क्या है कि सपोज मेरे पास H2 है गैसियस, मेरे पास O2 है से गैसियस, उसमें से बनेगा मेरे पास H2 से गैसियस नहीं लिक्विड, ओके सो H2O गैसियस, O2 गैसियस, H2O लिक्विड, तो कहने का मीनिंग क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब के ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना है H2O, वो जो एलिमेंट से बना है, क्या जो एलिमेंट से बना है, मतलब कौन से एलिमेंट से बना है H और O, तो ये जो H और O है, ये H और O भी कौन से होने चाहिए स्टैंडर्ड फेज में होने चाहिए, तो स्टैंडर्ड फेज में मतलब क्या H2 का स्टैंडर्ड फेज कौन सा है गैसियस, O2 का भी स्टैंडर्ड फेज कौन सा है गैसियस, H2O का भी स्टैंडर्ड फेज कौन सा है लिक्विड, ओके तो सारे के सारे स्टैंडर्ड फेज में है, तो ये अभी ये प्रोसेस हुई, तो ये प्रोसेस हुई, तो सपोज हीट या तो सिस्टम में आएगी या तो सिस्टम से बाहर जाएगी, ओके बट जो भी हो हीट का जो भी होना हो, हीट इन द सेंस डेल्टा एच आ जाएगा, फिर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या आ जाएगा डेल्टा एच, डेल्टा एच प्लस भी आ सकता है और डेल्टा एच माइनस भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन कि हीट मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक, लेकिन एंथैल्पी डेल्टा एच एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन हम कब बोलेंगे जब ये जो एलिमेंट है जो कंपाउंड हमारा प्रोडक्ट बना उसके इन्वॉल्वमेंट में, उसके लिए जो एलिमेंट है वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए, हो उससे अगर बन रहा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी का डिफरेंस हो जाएगा, अगेन स्टैंडर्ड बोल रहे हैं मतलब क्या 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, ये तो भूलना ही नहीं है स्टैंडर्ड मतलब ये, तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक कंडीशन पे ये रिएक्शन हो रही है और ये लोग भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, तब जाके हम बोलेंगे कि ये जो एंथैल्पी डिफरेंस है वो क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस और स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, अंडरस्टूड। तो कैसा नहीं चलेगा, जैसे हम वो टेंथ में देखते थे कि से एसिड प्लस से बेस सो दैट विल गिव वाटर एंड सॉल्ट, ओके सो HCl प्लस NaOH, तो क्या हो जाएगा NaCl एंड से H2O, तो H2O प्लस NaCl, तो यहां भी एंथैल्पी डिफरेंस मिलेगा तुम्हें, यहां भी डेल्टा H मिलेगा, सो क्या ये और यहां भी H2O मिला, देखो
तो ये H2 और ये H2O, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी सपोज 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, जो भी हो ओके okay. और ये भी हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, यही कंडीशन पे हुआ है, ये प्रोसेस भी यही कंडीशन पे हुई है, फिर भी ये प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि H2O बना, तो H2 और O से बना है, नहीं तो कहां है H2O, तो है नहीं, H तो है नहीं, ये तो HCl है, O तो है नहीं, ये तो NaOH का O है, अपने स्टैंडर्ड फेज से बनना चाहिए. तो ये अपने H2 का स्टैंडर्ड फेज है, स्टैंडर्ड फेज मतलब ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे गैसियस फेज, अकेला वो भी सनी, किसी के साथ नहीं चलेगा. अंडरस्टूड? जैसे दूसरा एग्जांपल ले ले, से CaO plus CO2 that will give say CaCO3 done. तो ये CaCO3 मिला, तो सपोज ये स्टैंडर्ड एटमोस्फेयरिक कंडीशन ही है, मोल भी तुमने ले लिया, सब कुछ ले लिया, बट क्या ये CaCO3 उसके जो एलिमेंट्स है, मेन एलिमेंट्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, उनका जो स्टैंडर्ड फेज है उससे बना हुआ है? नहीं तो कैल्शियम ये तो जुड़ा हुआ है ऑक्साइड के साथ, कार्बन ये भी ऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ये भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कैल्शियम के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो स्टैंडर्ड से बना है. बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने कार्बन लिया है, मैंने कैल्शियम भी लिया है और मैंने ऑक्सीजन भी लिया है और कुछ ना कुछ करके मैं यहां बना दे रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट, तो अब हाँ ये जो डेल्टा एच मिलेगा उसको हम बोल सकते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, इसको हम नहीं बोलेंगे. ये बेसिक चीज, इतनी लंबी थियरी में यही चीज समझाने का ट्राई कर रहा है. समझ में आ गया? तो ये सब तो बेस है क्या, ये गैसियस गैसियस ये लिक्विड, मतलब स्टैंडर्ड फेज तुम्हारा कुछ भी हो, जैसे कि इसका स्टैंडर्ड फेज है सॉलिड, इसका स्टैंडर्ड फेज है गैसियस, इसका स्टैंडर्ड फेज है सॉलिड, ये अगर हम कार्बन मतलब से ग्रेफाइट ले लिया तो उसे सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये गैसियस ओके. तो ये सारे स्टैंडर्ड फेज है, लेकिन वापस अकेले होने चाहिए वो ओके. ये स्टैंडर्ड फेज है लेकिन ये फेज सॉलिड है, लेकिन क्या कैल्शियम ऑक्साइड का स्टैंडर्ड फेज है? कैल्शियम ऑक्साइड का स्टैंडर्ड फेज है सॉलिड, लेकिन कैल्शियम का स्टैंडर्ड फेज नहीं है. कैल्शियम ऑक्साइड का स्टैंडर्ड फेज है सॉलिड के, भाई एटमोस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पर तुमने कैल्शियम ऑक्साइड रखा तो वो सॉलिड ही होगा, लिक्विड में रखा तो सॉलिड हो जाएगा, गैसियस में रखा तो भी सॉलिड हो जाएगा, जैसे अभी हमने पानी और हाइड्रोजन का एग्जांपल देखा. समझ में आया? दैट इज द थिंग, दिस इज द एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी फॉर्मेशन ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन. और यहां पर एक और चीज देखने वाली है क्या, कि अब जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन हम जो गिनेंगे ओके, तो कैसे गिनेंगे? वही जो से अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई प्रोडक्ट की एंथैल्पी लेंगे ओके, माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी लेंगे. सो वो जो मिलेगी वो मेरी क्या मिलेगी, जो अभी लिखा था ना हमने, समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट समेशन माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट, ये वाला, ये वाला. तो क्या बोल रहे हैं, ये सपोज है ऐसा समझो ओके, तो अगर ऐसी कंडीशन है, तो अगर वो बोल रहे हैं कि अगर तुमने स्टैंडर्ड मतलब कहने का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड एलिमेंट का स्टैंडर्ड फेज पे जो एंथैल्पी होता है वो जीरो होता है, स्टैंडर्ड एलिमेंट का मतलब से हाइड्रोजन है, उसका स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर पे उसका एंथैल्पी, हाइड्रोजन का एंथैल्पी क्या हो जाएगा, जीरो. ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, जीरो. H2O का नहीं, H2O का जीरो नहीं होगा, वो तो कंपाउंड है, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड H2 और O2 से बने हुए हैं, एलिमेंट की बात चल रही है, एलिमेंट की, वो क्या हो जाएगा, जीरो ओके. तो यहां पर ये रिएक्टेंट आया, रिएक्टेंट में सपोज ये हमारा जो इक्वेशन है, ये हमारा जो इक्वेशन है ओके, तो हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट H2O
माइनस एंथैल्पी ऑफ O2 माइनस एंथैल्पी ऑफ H2। मतलब ये जो था समेशन ऑफ दिस माइनस समेशन ऑफ दिस, इसकी एंथैल्पी माइनस इसकी एंथैल्पी, तो इसकी एंथैल्पी जो माइनस करने वाले हैं, तो हम ये बोल रहे हैं, मतलब साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये जो एलिमेंट है, अगर वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, तो उसकी एंथैल्पी कितनी ले सकते हैं हम? जीरो। अगर ये भी उसके स्टैंडर्ड फेज में हो तो उसकी एंथैल्पी भी क्या ले सकते हैं? जीरो। तो फिर अभी जो हम डेल्टा एच निकाल रहे थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू से एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ दिस माइनस एंथैल्पी ऑफ दिस, लेकिन ये दोनों तो जीरो हो गए, तो हुआ क्या, ये जीरो हो गए, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ H2O, क्योंकि वो दोनों जीरो हो गए। लेकिन जीरो कब होते हैं वो मैंने तुम्हें बताया, अगर वो स्टैंडर्ड फेज में होंगे तो वो जीरो हो जाएगी। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई यहां पर सपोज ये प्रोसेस हुई और ये प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी का डिफरेंस आया, दैट एंथैल्पी का डिफरेंस किसका, किसकी एंथैल्पी हो गई? डायरेक्टली H2O की एंथैल्पी हो गई, क्योंकि H2 और O2 की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? जीरो। अंडरस्टूड? ओके, तो यही है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफरेंस और से फॉर्मेशन। देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। मोस्ट स्टेबल स्टेट मतलब कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन ऑल्सो नोन एज रेफरेंस स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल लिया होगा तो मोलर लिखना पड़ेगा, अगर मोल नहीं लिख रहे हो तो मोलर भी मत लिखो, अगर मोल लिख रहे हो तो मोलर भी लिखना पड़ेगा। सो मोलर ऑफ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। ओके, देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O है, सो डेल्टा एच ऑफ से यहां पर क्या लिखा हुआ है? F। ओके, सो F मतलब फ्यूजन नहीं, फ्यूजन के लिए हम फ्यूजन पूरा लिखेंगे, F मतलब फॉर्मेशन। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है यहां पर? -285.8 किलो जूल पर मोल। तो अगर हमने एक मोल, मतलब एक मोल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर तुम्हारा डेल्टा एच क्या मिल रहा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव मिल रहा है। मतलब क्या, सिस्टम में से एंथैल्पी अंदर आ रही है, या मतलब हीट अंदर आ रही है, बाहर जा रही है? बाहर जा रही है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो क्यू हीट क्या जा रही है? बाहर जा रही है, तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आया? अब एक और चीज, अगर दो टाइप की रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन, जैसे कि यहां से यहां आ रही है, तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, H2O2 मिलके H2O बना रहा है। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया था 10th में, तो उस हमको मिला था H2 एंड O2 अलग अलग हो गए थे। सो वो रिएक्शन हो, H2O का बन रहा है H2 एंड O2, तो उसको बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक है रिवर्स रिएक्शन, यही वापस हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में, जो पूरा का पूरा चैप्टर है। सो इक्विलिब्रियम में वो देखेंगे। लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर एंथैल्पी फॉर्मेशन तुम्हारा ये है, कहने का मीनिंग मेरा क्या था, ये है क्या कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हारी -285 है, तो बैकवर्ड और से रिवर्स रिएक्शन का क्या हो जाएगा? साइन चेंज, दैट्स इट, वैल्यू वो की वैसी रहेगी, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो अगर ये कंडीशन, ये इसको उल्टा लिख दे, H2O में से H2 और O2 मिल रहा है, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस हो जाएगी, दैट्स इट, वही कहना चाह रहा है। दूसरा है, देखो ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन है, ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में, कार्बन सॉलिड स्टेट में स्टैंडर्ड फॉर्म, हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में स्टैंडर्ड फॉर्म, और से मीथेन बन रहा है CH4, ये छोटा एच की लिखा है। ओके, सो मीथेन बन रहा है CH4 गैसीयस। ओके, सो तब भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? -74। मतलब ये दोनों क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकल रही है। समझ में आ रहा है? ओके, सो देखो अब वापस दूसरी रिएक्शन बताई गई है। कौन सी दूसरी रिएक्शन? की ग्रेफाइट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन लोग हैं, ग्रेफाइट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उससे क्या बन रहा है? इसका नाम पता है? पता होना चाहिए, याद करो, C2H5OH, चैप्टर 4 क्लास 10। OH मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्कोहल। वेरी गुड,
सी टू मतलब क्या? इथेन. तो इथेन का अल्कोहल का नाम क्या है? इथेन का अल्कोहल इथेनॉल. ओके, तो ये इथेनॉल है, C2H5OH. ओके, अच्छा. सो देखो क्या बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. देखो सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन ही एलिमेंट है. ये तीनों के तीनों एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड फेज में है. तो ये जो चेंज होगा एंथैल्पी का, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे. अगेन इथेनॉल बहुत तरीके से हमने बनाया था क्लास 10 में. ओके, बट हो तो थोड़ा बहुत सिलेबस में से तुम्हारे निकल गया था, बट कहने का मीनिंग क्या है, अगर उस तरीके से बना रहे हो इथेनॉल तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा. मतलब वैलिड तो कहलाएगा, इथेनॉल तो इथेनॉल है, बट उसकी जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे. तो वही चीज है. अब यहां से यहां जा रहा है, अभी इथेनॉल का डिग्रेडेशन करो और वापस तुम्हें ये सब मिलेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस. ये नेगेटिव है. तो वही चीज है, इट इज इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड. ये सब चीजें वापस लिखी हुई है. दूसरा एग्जांपल देखो, अभी जो मैंने लिखा था वही एग्जांपल है, CaO एंड CO2. तो क्या बन गया? CaCO3. ये सॉलिड में है, ये गैसियस में है. ओके, बट फिर भी नहीं कहलाएगा. देखो ये लिखा है, इज नॉट एन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. क्यों? कैल्शियम अकेला होना चाहिए भाई. ओके, कार्बोनेट, सिंस फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सिंस कैल्शियम कार्बोनेट हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स एंड नॉट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. ओके, ऑल्सो फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, एंथैल्पी चेंज इज नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. नीचे वाले इसके लिए भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा बोल रहा है. ओके, ऑल्सो फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, ये रिएक्शन के लिए भी नहीं है. क्यों? देखो HBr सेम तो है. क्या है प्रॉब्लम? करेक्ट. ओके, सो हियर टू मोल्स और इंस्टेड ऑफ वन मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट. ओके, तो बीआर का वो तो है ही, फेज का तो तुम बोले वो सही आंसर है. अब दूसरा यहां क्या बोल रहे हैं कि दो मोल्स इंस्टेड ऑफ वन मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट. मतलब कि दो मोल बन रहे हैं. ओके, नहीं तो हमारा जनरल क्या है, एक कंपाउंड बनना चाहिए और एक एक मोल, लेकिन यहाँ पे टू मोल्स बन रहे हैं तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा. देखो ऐसे, तो टू मोल के लिए ये आया, वन मोल के लिए इतना है. क्यों हमने क्या किया? अब देखो ये भी एक बहुत ही अच्छी समझने की चीज है. देखो, therefore by dividing all coefficient balanced equation by 2, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 और ये 1 हो गया. ओके, सो 1/2 और ये 1. अब ये भी वैसे का वैसा थोड़ी रहेगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा. मतलब क्या कि अगर तुमने सिंपल तुमने पूरा एक पिज्जा खा लिया, उससे तुम्हें जो एनर्जी मिली, और पिज्जा का एक पीस उसमें से भी मैंने थोड़ा काटा और वही तुम्हें दिया प्रसाद के जितना. ओके, उसमें से तुम्हें जो एनर्जी मिलेगी, क्या दोनों सेम होगी? नहीं, कम क्वांटिटी है तो कम एनर्जी मिलेगी. एनर्जी, हीट, क्यू और एंथैल्पी, व्हाट एवर यू टेक, तो कम क्वांटिटी मिलेंगे. मतलब जैसे मैंने H2O2 बोला और H2O मिला, H2O2 और H2O मिला मुझे, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल गई. लेकिन भाई कितना कितना, अगर मैंने से 1 मोल H2 लिया, 1 मोल O2 लिया, ओके, तो कुछ बना और उसकी वैल्यू आ गई मेरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की. अब मैं 1 मोल नहीं ले रहा हूं, सपोज एंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू आ गई 100 kJ/mol. ओके, अब मैं 1 मोल नहीं ले रहा हूं, मैं 10 मोल हाइड्रोजन 10 मोल ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम रहेगा? ज्यादा क्वांटिटी ली तो ज्यादा हीट निकलेगी, कम क्वांटिटी ली तो कम हीट निकलेगी. एज सिंपल एज दैट. कल बताया था वो कि भाई एक तपेला भर के पानी है, उसको गर्म करना है, और एक स्पून ऑफ वाटर है, उसको गर्म करना है, तो वो जल्दी हो जाएगा, क्वांटिटी कम है. ओके, और यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी कम है मतलब मास कम है. ओके, समझ में आ गया? तपेला चलेगा केमिस्ट्री में, ऐसा लग रहा है. अच्छा, सो वही चीज बताई गई है. तो ये जो चेंज, ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसमें भी चेंज होगा. अब ऐसा मत बोलना कि सर 178/2 कर देते हैं ना, 36 कैसे है? नहीं, वैसे डायरेक्ट नहीं होगा. ओके, तो एक्सपेरिमेंट हमें नहीं पता चलेगा, वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कितनी रिलीज हुई. कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे?
मतलब कांस्टेंट प्रेशर होगा। हाँ तो मतलब कोई भी कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, बट हम कौन सा कैलोरी मीटर, ओके कैलोरी मीटर से कैलोरीमेट्री मेथड से हम फाइंड कर लेंगे डेल्टा एच डेल्टा यू। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कॉमन सब्सटेंस 5.2 में गिवन है, वो तुम्हें याद नहीं रखने हैं बट उसका यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। देखो ये सारे सारे क्या करने बैठे हैं। अच्छा तो ये सारे ही सब्सटेंस के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है कि भाई ये COCO3 है, स्टैंडर्ड तरीके से बनाया कार्बन कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, तब जाके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 वाला नहीं चलेगा, ओके तो वैसे करके बनाया है, तो देखो किसी में प्लस है किसी में माइनस है, ओके मतलब कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये सारी ही देखो, अगर डायरेक्टली तुम देखोगे ये सारी क्या वैल्यू दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये वो, लेकिन कंसेप्ट समझ गए हो तुम तो। अब तुम्हें पता चल गया है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ से वो सेम CaCO3 इज -1206.92, उसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग ये है कि इफ यू टेक स्टैंडर्ड कैल्शियम दैट इज इन सॉलिड फेज, स्टैंडर्ड कार्बन दैट इज ऑल्सो इन सॉलिड फेज, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन दैट इज इन गैसियस फेज, अगेन 298 केल्विन 1 बार प्रेशर, तब जाके अगर COCO3 बन रहा है तो ये जो चेंज इन दी एंथैल्पी है वो कितना होगा 1206.92, ये वो कहने का मीनिंग है। तो ये सारे ही सब्सटेंस का क्या कर दिया, फाइंड कर दिया है सारे वन बाय वन करके सारे ही सब्सटेंस का फाइंड किया है कि तो ये कितनी कितनी मेहनत लगेगी, सोचो ये पूरा टेबल डिराइव करने में बहुत मेहनत लगेगी। सो वो हमें बना के दे दिया है, उसका यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ओके तो वो चीज बताई गई है। कहां गया 5.2, हाँ एंथैल्पी सपोज केमिकल, हाँ ये देखो इसका यूज वही चीज है, वापस वही बोल रहा हूं मैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। You are a chemical engineer and want to know how much heat is required to decompose calcium carbonate to lime and carbon dioxide. मतलब तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है, ये lime है और ये carbon dioxide है, तुम्हें पता है कि heat देनी पड़ेगी, कितनी heat देनी पड़ेगी तुम्हें नहीं पता है, तो कैसे पता चलेगा। And carbon dioxide with all substances in their standard state, सारे के सारे अपने standard state में है, so कैसे पता चलेगा। तो ये इसी ये जैसे मैंने बताया ना केमिकल इंजीनियर इंडस्ट्री में गए, तो नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हीट दे कितनी हीट ले, ओके तो यहां से पता चलेगा। वी कैन मेक यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये जो हमारा टेबल है ना, अब तुम्हारे पास टेबल है तो तुम टेबल में वैल्यू देखोगे, अच्छा ये करना है ये करना है ये इसमें से ये बन रहा है, ओके सर इतनी हीट देनी पड़ेगी, इतनी हीट मतलब सर आपको एक दिन के लिए मुझे फ्यूल देना पड़ेगा तब जाके ये जो आपका काम है वो मैं निपटा दूंगी, ऐसे तुम्हें बोलना पड़ेगा, ओके तो ये हम कर रहे हैं उसका यूज है, ऐसे ही नहीं कि बस पढ़ने के लिए और लॉजिकली हमारा ब्रेन ग्रो करने के लिए पढ़ रहे हैं, नो एप्लीकेबल है वो डे टू डे लाइफ में, ओके। सो फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस, जनरल इक्वेशन कैन बी यूज्ड, ओके देखो ये ए मतलब मोल्स प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का, सो वेयर ए एंड बी मोल्स एंड ऑल, ओके सो देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट CaO सॉलिड में एंड CO2 गैसेस में, माइनस कहां गया माइनस आ गया डायरेक्टली, ये हमारा प्रोडक्ट का माइनस, हाँ माइनस किसका रिएक्टेंट का CaCO3, तो क्या होगा ये मोल है क्योंकि वहां पे वन था, ओके देन अब कैसे पता चलेगा कि भाई CaO का कितना है, तो वो टेबल में देखो, देखो CaO का -635 तो वो यहां से पता चलेगा CaO ऊपर ही है, ये रहा वेरी गुड 6-635, तो यहां से वैल्यू ले ली तो वो वहां पे डाल दिया हमने, ओके तो ये वैल्यू यहां से डाल दी, वापस टेबल में से सारी वैल्यू डाल दी हमने, तो हमें पता चला कि भाई 178.3 किलो जूल पर मोल। दस द डीकम्पोजिशन ऑफ CaCO, ये प्लस आया है, प्लस मतलब चाहिए अंदर जाएगी सिस्टम के अंदर जाए तो प्लस, सो सिस्टम में देनी पड़ेगी, सिस्टम को देनी पड़ेगी, सिस्टम में अंदर जानी पड़ेगी, so decomposition is an endothermic process and you have to heat it for getting the desired product, तो मतलब CaCO3 में से तुम्हें CaO और CO2 बनाना है, so तुम्हें इतनी exact इतनी heat देनी पड़ेगी, मतलब अगर तुमने CaCO3 एक मोल लिया है per मोल तो तुम्हें इतनी किलो जूल ऑफ हीट देनी पड़ेगी तब जाके तुम्हें CaO एंड CO2 मिल जाएगा,
समझ में आया ये पूरा प्रोसेस? तो ये जो हम पढ़े उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अंडरस्टूड? इतना रखते हैं तो आज, बट समझ में आ गया? Yes. पक्का? सो अगेन रिवाइज कर लेना बुक में से.